वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो ब्रेक पे जाने के पहले क्या किया अपन लोग ने, समझा कि म्यूचुअल फंड किस नाचीज का नाम है। चलो, सो ब्रेक में एक क्वेश्चन पूछा मुझे सैफुद्दीन सिद्धपुर वाला ने, सो लेट मी आंसर इस क्वेश्चन। वो बोल रहा है कि सर नैव क्यों चेंज होता है। वैसे तो मैं बताने ही वाला हूं आगे कि नैव, मैंने अभी तक क्या बताया आपको, नैव क्या होता है, नैव क्यों चेंज होता है वो तो मुझे बताना बाकी है, बट बिकॉज उसने अभी बड़ा पूछ लिया है तो मैं उसका जवाब देता हूं। बट मैं आप लोग को, किसी को पूछ लूं मैं अगर ये चीज कि नैव क्यों चेंज होता है, तो तुम लोग बता सकते हो क्या? मैंने अभी तक खाली नैव क्या है वो बताया, क्यों चेंज होता है वो सब बताना बाकी है। बट ठीक है, इन द मिडस्ट उसने पूछ लिया है क्वेश्चन को, तो अपन बता देते हैं उसको वो भी। हाँ, तो सैफ समझने की कोशिश कर। सपोज सैफ यू आर माय पोर्टफोलियो मैनेजर। सैफ अपना कॉलर ऊपर कर ले भाई, जहां पे भी जिधर भी बैठा है तू, अज्यूमिंग तूने शर्ट या टी शर्ट पहना होगा जिसपे एक कॉलर हो, ठीक है? करेक्ट। सो सैफ को मैंने बनाया अपना पोर्टफोलियो मैनेजर, उसको मैंने अपना बनाया पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है ना? सो ये है हमारे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेजर। सैफ मैंने तेरे को 10 लाख रुपए दे दिए, मैंने तेरे को बोला जा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर, ठीक है? अब तूने ये 10 लाख के सामने मुझे क्या दिया, तूने मुझे यूनिट्स दिया। तूने बोला कि सर एक यूनिट है 1000 रुपए का। सो यहां पे क्या हुआ, 1000 पर यूनिट हुआ। सो इन शॉर्ट तूने मुझे 1000 पर यूनिट में 1000 यूनिट बेचा बेसिकली, तब जाके ये 10 लाख हुआ। बोलो बोलो, चल चल मैं इसको लिख लेता हूं। सपोज 20 लाख तो 2000 यूनिट्स मिलेगा मेरे को, सैफ समझ रहा है इतना? तो 20 लाख रुपए मेरे पास थे, मैं सैफ के पास गया, सैफ पोर्टफोलियो मैनेजर है म्यूचुअल फंड का, उसको मैंने बोला कि मुझे 20 लाख रुपए में कितना यूनिट दोगे। सैफ ने बोला कि सर 1000 रुपए एक यूनिट का है, उस हिसाब से सर, उस कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 यूनिट्स आपको मिलेगा। मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। अब सैफ टू ये 20 लाख रुपीज का क्या करेगा, तूने शेयर्स में इन्वेस्ट किया। सपोज तूने 2 शेयर में इन्वेस्ट किया या 1 ही शेयर में इन्वेस्ट किया, से रिलायंस में, ठीक है? और दूसरा से फॉर एग्जांपल तूने इन्वेस्ट किया टीसीएस में। अब जब तू रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है ये 20 लाख रुपए, तूने इसमें से तूने 10 लाख रुपए रिलायंस में इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए तूने टीसीएस में इन्वेस्ट किया। तो रिलायंस में इन्वेस्ट करना और टीसीएस में इन्वेस्ट करना का मतलब कि नहीं से उनके शेयर्स खरीदना हुआ, बराबर है? तो तूने क्या किया, उनके शेयर्स खरीदे। तो रिलायंस का शेयर है रुपीज से 5000 पर शेयर, तो उस हिसाब से 10 लाख डिवाइड बाय 5000, तेरे पास कितने शेयर्स आ गए सैफ, तेरे पास कितने शेयर्स आ गए, कहना से तेरे पास 200 शेयर्स आ गए। और तूने टीसीएस में भी इन्वेस्ट किया, टीसीएस का 1 शेयर है से 2000 पर शेयर, तो 10 लाख, हाँ 10 लाख आए, 10 लाख डिवाइड बाय 2000 पर शेयर, मतलब कहना से तेरे पास टीसीएस के 500 शेयर्स आ गए। इतना समझ में आया क्या मुझे, एक बार कंफर्म कर सैफ भाई, बाकी लोग भी कंफर्म करो, इतना समझ में आया? हाँ भैया, चलो डन हो गया सब लोग का, इतना समझ में आ गया? ओके, अब होगा क्या, अब ये सब जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, ये हुआ है से फॉर एग्जांपल 1st of Jan को, 1st Jan को ये सारा पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है? अब कहानी बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। अब से फॉर एग्जांपल 5th Jan आया, 5th Jan आया, राइट?
सैफ यू आर माई फंड मैनेजर, ठीक है, और मैं से फॉर एग्जाम्पल संकल्प ने 20 लाख रुपए तेरे को दिए थे, संकल्प को तूने 2000 यूनिट दिए तेरे म्यूचुअल फंड के, अब संकल्प वापस से आया है तेरे पास 5 जैन को, और संकल्प बोल रहा है कि मेरे को है ना यार अभी मेरे को पैसा चाहिए सैफ भाई, तो मुझे ये 2000 यूनिट्स है ना सेल करने हैं, मेरे को है ना ये 2000 यूनिट्स सेल करने हैं। तो बोलेगा ठीक है नो प्रॉब्लम, अब जब ये 2000 यूनिट्स मैं सेल करने को जा रहा हूं तो क्या होगा, कह रहा है मुझे पैसा चाहिए वापस मेरा। तो तब तू देखता है कि रिलायंस का जो तूने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, तो 10 लाख इन्वेस्ट किया था तो तूने क्या किया था, तब 5000 पर शेयर का भाव चल रहा था, इससे तूने 2200 शेयर लिया था, बराबर, तो तेरा 10 लाख का वैल्यू हुआ था। अब 5 जैन को, 5 जैन को तो कहना है इससे प्राइस चेंज हो जाएगा ना, ये जो रुपीज 5000 पर शेयर है सैफ, समझ रहा है तू, 5000 पर शेयर इधर दिख रहा है तेरे को, ये जो 5000 पर शेयर है फिफ्थ, ये तो 1 जैन को था, 5 जैन को 5000 नहीं कुछ और हो जाएगा, अज्यूम करते हैं कि ये 6000 हो गया, अज्यूम करते हैं कि ये 6000 हो गया पर शेयर, अपन लोग ने 200 शेयर लिए थे, अपन लोग क्या करेंगे जाके ये बेच देंगे मार्केट में, संकल्प को पैसा चाहिए, तो से फॉर एग्जाम्पल 12 लाख रुपया आ जाएगा, 12 लाख रुपया आ जाएगा, समझा, तो 10 लाख का तेरे पास आज की तारीख में कितना हो गया, क्या ना इसे ये 12 लाख आ गया। सेम चीज अपन टीसीएस के लिए करेंगे, टीसीएस कितने का था भाई, टीसीएस था 2000 रुपए का एक शेयर, 2000 रुपए का एक शेयर था, अपन ने टीसीएस के 500 शेयर लिए थे भाई, अब टीसीएस का अपन लोग अज्यूम करते हैं से फॉर एग्जाम्पल हो गया रुपीज 1800 पर शेयर, जरूरी नहीं है ना बढ़ेगा, कम भी तो हो सकता है, तो ये सपोज हो गया 1800 पर शेयर, एट द रेट मेरा पास 500 शेयर है सपोज, ये भी है, अब अपन लोग बेच देते हैं, सो 1800 × 500 मैं कर दूंगा, तो ये हो जाता है मेरा 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज हो जाएगा ये मेरा, करेक्ट। तो आज की तारीख में इसका वैल्यू कितना हो गया सैफ, 21 लाख रुपीज हो गया इसका वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 21 लाख रुपीज हो गया। तूने मुझे ये 21 लाख 20 लाख का था, इसके सामने तूने मुझे 2000 यूनिट दिया था, नहीं कितना यूनिट दिया था, हाँ 2000 यूनिट दिया था, उस दिन भाव चल रहा था रुपीज 1000 पर यूनिट, क्या भाव चल रहा था, मतलब नैव नेट एसेट वैल्यू चल रहा था 1000। आज ये 1 जैन की बात है, आज जब संकल्प तेरे पास आया है 5 जैन को, तब इसका वैल्यू 21 लाख हो गया है, बराबर है, संकल्प ने 2000 यूनिट्स लिया था तो अभी वही 2000 यूनिट्स वो बेच रहा है, अब 21 लाख के सामने 2000 यूनिट, कहना इससे अब इसका वैल्यू कितना हो गया है 1050 पर यूनिट, तेरे सामने ये कैलकुलेशन है। तो कहना इससे जब तेरे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज होते रहता है, जब तेरा ये जो तूने जहां पे इन्वेस्ट किया था मेरे से पैसा लेके, जहां पे तूने इन्वेस्ट किया था उस चीज का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, 5000 पर शेयर 6000 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2000 पर शेयर 1800 पर शेयर हो गया, तो जो इन्वेस्टमेंट था सैफ, समझ में आया तेरे को, वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो सीधी सी बात है तेरा नेट एसेट वैल्यू भी उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में चेंज होगा ना बेटा। अभी क्लियर एवरीबॉडी, अदर्स आई होप क्लियर हो गया, अगेन बाद में वापस से डिस्कस करेंगे, बट अभी फ्लो में एक सैफ ने क्वेश्चन पूछा जो मुझे लगा कि कनेक्ट कर रहा है तो मैंने डिस्कस कर लिया। सैफ आर यू क्लियर माय बॉय, समझ में आया, इसके लिए नैव रोज चेंज होगा। अब ये से फॉर एग्जाम्पल 5th जैन है, अब ये 10th जैन को कुछ और वैल्यू हो जाएगा तो नैव कुछ और हो जाएगा, 7th जैन को कुछ और हो जाएगा तो कुछ और वैल्यू हो जाएगा, वैसा। Got it. चल ग्रेट, सो इतना आप लोग सब लोग को इधर तक जो भी समझाया मैंने, नैव क्या होता है वो समझाया मैंने, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड ये सब चीजें, म्यूचुअल फंड कहां से है वो सब चीजें। अब मैंने तुम लोग के लिए कुछ नोट्स बनाया है, बहुत मेहनत किया, यू विल नॉट बिलीव, रात को 3 बजे तक कल मैं बैठ के ये नोट्स बना रहा था, क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए था मैं आप लोग को एकदम रीसेंट वाला इन्फॉर्मेशन दूं, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाला है जो मुझे चाहिए था कि मैं आज के डेट का इन्फॉर्मेशन, ये सब मेरे पास रेडी था, पुराना भी मेरे पास नोट्स रेडी था, बट आई थॉट कि मैं रीसेंट वाला इन्फॉर्मेशन देता हूं, एंड दैट्स वेयर दिस इज वेयर आई गॉट इट फ्रॉम। सो अब यहां पे अपन लोग थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं जो भी अपन लोग ने समझा है। तो 1774 में वैन कैटविच ने इवन रिकॉर्ड मॉक्ट मैक्ट यूनिटी क्रिएट स्ट्रेंथ वाला फंड इंट्रोड्यूस किया स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए,
उसने क्या बोला कि ये 2000 यूनिट्स में है, एट द रेट से 1000 पर यूनिट में मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। और उसने क्या बोला इन्होंने, इफ द फंड वॉज फुल द ओनली वे टू गेन एक्सेस टू द फंड होल्डिंग्स वॉज टू परचेज यूनिट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मुझे बताओ इस चीज का मतलब क्या होता है, सिर्फ मैंने अभी जो हाईलाइट किया है उस चीज का प्लीज मुझे मतलब समझा दो कोई, प्लीज मैं जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं उस चीज का कोई मुझे मतलब समझा दो। इफ द फंड वॉज फुल द ओनली वे टू गेन एक्सेस टू द फंड होल्डिंग वॉज टू परचेज यूनिट्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर। आप डायरेक्टली वो वैन किटविच से नहीं खरीद सकते जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, करेक्ट, आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो वैन किटविच ने ये जो सिस्टम है उसको अपन लोग ने, या वैन किटविच ने वो टाइम पे क्या नाम दे दिया था इसको, उसने बोला क्लोज एंडेड। क्या जिंदगी में अभी कभी भी क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड का डिफरेंस भूलोगे क्या? मतलब मैं बोल रहा हूं एग्जाम तक नहीं, जिंदगी में कभी भूलोगे क्या? कभी नहीं। समझ में आया? हाँ भैया चल। अब वो और एक चीज क्या करता था पता है, वो टाइम पे क्या करता था, मेंटेन्ड एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट एक्सेसिबल टू यूनिट होल्डर्स, जो आज भी कंपलसरी है, जो आज भी कंपलसरी है। सेबी बोलता है, सेबी बोलता है, आरबीआई कहता है, सेबी कहता है दैट जो भी म्यूचुअल फंड के जो भी एएमसीज है, ट्रस्टीज है, दे हैव टू कीप एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट। म्यूचुअल फंड के पास कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसने कहां पे ये पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या उसका डेली नैव्स है, एवरीथिंग हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट टू एवरीबॉडी, टू एवरीबॉडी। जी हाँ, और बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे आप ये सब चीज एक्सेस कर सकते हो। मेरी दो तीन इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो मैं देखता हूं, वो है, एक है valuerearchonline.com, दूसरा है morningstar.in, तीसरा है ikraanalytics.com। तो ये दो तीन वेबसाइट है जहां पे आपको दुनिया भर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, नैव, कौन उसका फंड मैनेजर है, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। मैं लिखवाऊंगा बाद में कौन से वेबसाइट है, तुम लोगों को कभी फ्री होगा टाइम तब वो भी देख लेना। चलो इतना समझ में आ गया अपने को, डन। देन इट गेन पॉपुलैरिटी इन यूरोप अमेरिका 1893 में, फिर एक बॉस्टन पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रस्ट सेटअप किया 1924 में, मैसाचुसेट्स इन्वेस्टर ट्रस्ट किया जहां पे ओपन एंडेड फंड टू कंटिन्यूअली इशू एंड रिडीम यूनिट्स चालू किया। एंड भाई साहब उसका पॉपुलैरिटी देखो, $50,000 से $3,90,000 इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। ये मैंने ये वर्ड इधर ओपन एंडेड लिखा है, तुमको समझ में आया ये बात क्या होता है? डन, ओके। अभी फिलहाल मैं खाली आप लोगों को स्टैटिस्टिकली बताऊं ना, तो म्यूचुअल फंड इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना बड़ा इंडस्ट्री है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, चार्ल्स स्क्वैब, ये सब बड़े बड़े एसेट्स अंडर मैनेज, ये सब बड़े बड़े ग्लोबल म्यूचुअल फंड प्लेयर्स हैं। $10 ट्रिलियन का इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इंडिया के पास, ये खाली एक ब्लैक रॉक के पास इतना सारा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। इंडिया का टोटल म्यूचुअल फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा $1 ट्रिलियन, उतना भी नहीं है, उतना भी नहीं है। सोचो सोचो, इंडिया का, पूरा इंडिया का म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट वुड प्रोबेबली बी 1/5, 1/10 ऑफ व्हाट ब्लैक रॉक्स एसेट अंडर मैनेजमेंट इज। मतलब कितना कम लोग है इंडिया में जो ये सब में डाल रहा है भाई। व्हेन डिड म्यूचुअल फंड्स गेन पॉपुलैरिटी इन इंडिया? ऑफ लेट, लास्ट 5-6 साल में। आज की तारीख में डू यू नो हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया? म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है, म्यूचुअल फंड सही है, भारी एडवर्टीजमेंट किया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दो ब्रांड एम्बेसडर है, नाम बताओ। बोलो, अब से नोट करना, उनके एडवर्टीजमेंट भी आते हैं रोज। करेक्ट, धनंजय उपाध्याय, वीना, गायत्री, सौम्या, इट इज सचिन तेंदुलकर एंड महेंद्र सिंह धोनी। मतलब समझ रहे हो तुम लोग, बेस्ट, द बेस्ट ऑफ द क्राउड। मतलब जानबूझ के वो लोग ने सचिन और धोनी को लिया, क्यों पता है क्या?
दोनों का जो एज है 40+ है, समझ रहे हो, वो एज है, एंड उनको पता है म्यूचुअल फंड वालों को कि दिस इज द एज व्हेन पब्लिक मैक्सिमम कर सकता है, सरप्लस मनी आ जाता है, सेटल हो गया होता है, तो इसके लिए वो लोग ने वो क्राउड के साथ रिलेट करने के लिए लिया, सचिन तेंदुलकर एंड धोनी, एंड ऑब्वियसली एवरीबॉडी रिलेट्स टू दैट धोनी एंड सचिन। ट्रस्ट बिगेस्ट फैक्टर, दोनों ट्रस्ट वर्दी रहे थ्रू आउट द लाइफ। चल सौम्यावल के कुछ और क्रिकेटर्स भी थे म्यूचुअल फंड के ऐड में, पॉसिबल। एनीवेज इंडिया में तीन जो टॉप म्यूचुअल फंड्स है, एसबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अगेन ये नंबर चेंज होते रहता है, सो नथिंग रेट, वैसा सिनारियो है इंडिया। अभी देखो मैं एक और स्टैटिस्टिक बताता हूँ, अगेन ये स्टैटिस्टिक्स आपके शायद एग्जाम के लिए काम का नहीं है, बट अपनी स्टार्टिंग में बात हुई ना, हर चीज एग्जाम एग्जाम नहीं करेंगे, 90% एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे, बट 10% तो मुझे चाहिए कि मैं तुम लोग को वो नॉलेज देता रहूं, एक्स्ट्रा नॉलेज, स्टैटिस्टिकल नॉलेज, मार्केट नॉलेज, चलेगा ना? या फिर तुमको लगता है नहीं, सर क्या बताओ भाई, मेहनत लगाई है ये बनाने में, समझ रहे हो? ये देखो सचिन एंड धोनी द ब्रांड में, अब मैं बताता हूँ ये क्या है, इंडियाज म्यूचुअल फंड एयूएम टू जीडीपी, मतलब अगर इंडिया का जीडीपी 100 रुपया है तो उसमें से इंडिया का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में उसका खाली 16 रुपीज, जबकि वर्ल्ड का अगर 100 रुपया है तो उनका इन्वेस्टमेंट उसमें से म्यूचुअल फंड में है 74 रुपीज, समझ रहे हो तुम लोग कितना बड़ा डिफरेंस है? मतलब इंडिया का अगर जीडीपी 100 रुपया है उसमें से अपन म्यूचुअल फंड में कितना डालते हैं, 16 रुपया, बट सारी दुनिया की अगर मैं बात करता हूं, सारी दुनिया का मतलब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर 100 रुपए का जीडीपी है, से फॉर एग्जांपल यूएसए में, यूके में, तो वो लोग 74 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। भाई क्या कर रहे हो तुम, जागो ग्राहक जागो, इतना बड़ा डिफरेंस है, 5 टाइम्स लेस अपन लोग डालते हैं। इक्विटी एएम टू मार्केट कैप, ये मार्केट कैप क्या है वो तो बाद में बताऊंगा, बट वो भी खाली 6% है और ग्लोबल एवरेज है 33%, मतलब 5 टाइम्स है ग्लोबल एवरेज, यहाँ पे भी 5 टाइम्स है ऑलमोस्ट ग्लोबल एवरेज। सो इन शॉर्ट बहुत बड़ा स्कोप है बॉस इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होने को, और इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो होता है तो पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है पता है? करेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नैव कैलकुलेटर्स कौन होते हैं पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट, अपना व्हाट बढ़ेगा, हाँ बता रहा हूँ। चल एनीवेज ऑब्वियसली सीएफएस होते हैं, एमबीएस होते हैं, एमबीए फाइनेंस फ्रॉम आईआईटी अहमदाबाद होते हैं, जैसा। चल एनीवेज ये एक जीडीपी का चार्ट मैंने बनाया था जस्ट तुम लोग को एक आइडिया देने के लिए कि देखो कैसे चीजें सुपरफिशियल हो सकती है। इंडिया का जीडीपी आज की तारीख में वर्ल्ड के टॉप 7 जीडीपीज में आता है, बट जीडीपी पर कैपिटा, मतलब अभी देखो ना, इंडिया वर्ल्ड के टॉप 7 जीडीपीज में आता है। अब आप यूएसए में जाओ, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके में जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि यार ये तो एकदम डेवलप्ड कंट्रीज है। यूएसए में जाओगे तुमको दिखेगा, समझ जाएगा ये क्या डेवलप्ड है यार। जापान में जाओगे तुमको दिखेगा, अरे क्या डेवलप्ड है यार। जर्मनी में जाओगे तुमको दिखेगा, तो मैं गया हुआ हूँ, यूके में गया हुआ हूँ, मैं जर्मनी गया हुआ हूँ, फ्रांस गया हुआ, मुझे मैंने देखा है क्या डेवलप्ड है। तो अब जब इंडिया ये लोग के, फ्रांस के भी आगे आ गया, यूके और जर्मनी के लेवल पे आ रहा है, तो मुझे लगता है यार ये तो क्या, ये लोग तो डेवलप्ड है यार। इंडिया डेवलपिंग है, अच्छा है, बट इतना डेवलप्ड तो नहीं है, दिल मैं ना नहीं बोल रहा, बहुत अच्छा अपना भी डेवलपमेंट हो रहा है लास्ट कुछ ईयर्स में, बट इतना तो डेवलप नहीं लग रहा है कि यार चाइना, जर्मनी, यूके, मतलब वो लेवल पे पहुंच रहे अपन, यूके जर्मनी को शायद पीछे छोड़ दे अपन, फ्रांस को पीछे छोड़ चुके हैं, तो इतना तो डेवलप नहीं है, बट फिर भी अपन इतना आगे। फिर मुझे पता चला कि अपना जीडीपी अच्छा है पर अपना जीडीपी पर कैपिटा बहुत कम है। जीडीपी पर कैपिटा यूएसए का है ऑलमोस्ट 70,000, जीडीपी पर कैपिटा फ्रांस का जिसको अपन ने टेक ओवर कर लिया उसका है 43,000, इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है खाली 2,000। जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, चलो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है, से फॉर एग्जाम्पल ये फ्रांस का घर है, समझो ये फ्रांस का घर है और ये इंडिया का घर है। अब फ्रांस का टोटल इस घर का वैल्यू है, इस घर का होम का वैल्यू है 10 लाख रुपया, बराबर है। इंडिया का जो घर है
उसका वैल्यू है 11 लाख रुपया। आप बोलो कौन ज्यादा वैल्यूएबल, आप बोलोगे इंडिया वैल्यूएबल। अब मैं आपको और एक इंफॉर्मेशन देता हूं स्टैटिस्टिकली, फ्रांस के घर में टोटल 10 लोग रह रहे हैं, इंडिया के घर में टोटल 100 लोग रह रहे हैं। कांटा लगा ओए लगा। सो 10 लाख/10 लाख करता हूं तो हर आदमी के पास वैल्यू वाइज 1 लाख रुपया है। इंडिया में हर आदमी के पास वैल्यू वाइज अगर मैं देखता हूं तो बॉस 11,000 रुपया ही है। समझ रहे हो क्या? पर कैपिटा इनकम इंडिया का बहुत कम है, बहुत कम है, खाली 2,000। अपने पीछे मैंने ना टॉप 50 कंट्रीज का देखा जीडीपी पर कैपिटा, अपने पीछे खाली 2 लोग है। एक है अपना नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान जिसका है 1,500, और दूसरा है नाइजीरिया उसका कुछ है 2,000। बाकी सबका जीडीपी पर कैपिटा अपने से बेटर है टॉप 50 का अगर मैं बात करता हूं तो, क्या कर सकते हैं। और स्विट्जरलैंड, आई बीन टू स्विट्जरलैंड, भाई साहब जन्नत, एक्चुअली जन्नत है वो, जन्नत है वो। वहां का कॉस्ट पर, आई मीन जीडीपी पर कैपिटा इज $93,000, वर्ल्ड का हाईएस्ट जीडीपी है, सबसे मोस्ट बोलते हैं ना लवेबल जगह अगर है तो वो है स्विट्जरलैंड। $93,000 जीडीपी पर कैपिटा है उसका। एनीवेज खाली ये सब वर्ड्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अब आगे जब अपन लोग ये सब वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको कनेक्ट रहे कि हाँ भाई अब लोग एकदम वो नहीं है। जीडीपी का मतलब कि भाई आपके टोटल कंट्री में कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, कितना सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, वो बेसिकली आपका जीडीपी है। और जीडीपी पर कैपिटा मतलब हर इंसान उसमें से कितना उसका खुद का पर्सनली कितना औकात है, वो जीडीपी पर कैपिटा है। समझे? एनीवेज चलो, सो ये अपन लोग को एक आइडिया आ गया भाई कि क्या है म्यूचुअल फंड, क्या होता है वो अपने को पता चल गया। इट लेट्स यू पूल योर मनी विद अदर इन्वेस्टर्स टू म्यूचुअली टू बाय स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। टोटल एयूएम ऑफ इंडिया इज 39.5 ट्रिलियन रुपीज। अब इसको जब डॉलर में कन्वर्ट करोगे ना तो समझो ना 40 ट्रिलियन डिवाइड बाय जब आप 80 करोगे ना तो आ जाएगा 0.5 ट्रिलियन इंडिया का एयूएम। ब्लैक रॉक का एयूएम $10 ट्रिलियन। समझ रहे हो? गुड, समझ रहे हो? पूरे इंडिया का एयूएम इतना कम है, मतलब इंडिया में स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है। अच्छा, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड का मैंने यहां पे कुछ वो बताया। अच्छा मुझे बताते जाओ, अभी तुम लोगों को जवाब देना है। ओपन एंडेड का लॉक इन का क्या सीन रहता है? ओपन एंडेड में लॉक इन रहता है या नहीं रहता है बताओ? क्या आपका जो फंड्स आपने ओपन एंडेड में डाला है वो लॉक हो गया है या ऑलवेज ओपन? फटाफट बताते जाओ मुझे, अभी तुम लोग की तरफ से आंसर चाहिए ओपन एंडेड क्लोज एंडेड का। चल जल्दी। करेक्ट, नो लॉक इन, नो लॉक इन। अच्छा क्लोज एंडेड का, क्लोज एंडेड का एनएफओ तक रहता है और बाद में आपको सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करना पड़ता है। समझ रहे हो तुम लोग? सो ओपन एंडेड कैन बी बॉट एंड रिडीम्ड एनी टाइम, नो लॉक इन एक्सेप्शन ईएलएसएस, वो क्या है वो मैं बताऊंगा आगे। परचेज ड्यूरिंग क्लोज एंडेड का परचेज ड्यूरिंग ऑफर पीरियड एंड रिडीम आफ्टर लॉक इन पीरियड। सो इसमें लॉक इन होता है भाई, 3 साल तक कुछ नहीं कर सकते, नाटक। लिक्विडिटी, किसका लिक्विडिटी हाई है? लिक्विडिटी किसका हाई है बोलो, ओपन का कि क्लोज का? लिक्विडिटी किसका हाई है किसका लो है? ये ओपन एंडेड है, ये क्लोज एंडेड है। किसका लिक्विडिटी है? लिक्विडिटी मतलब फटाफट जब चाहिए तब पैसा मिल जाए, किसका? करेक्ट, ओपन एंडेड का लिक्विडिटी हाई है, क्लोज एंडेड का रिलेटिवली लो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड साइज। अच्छा मुझे बताओ फंड साइज किसका फिक्स्ड रहेगा, किसका चेंज होते रहेगा? फंड साइज रोज चेंज होते रहेगा, इसमें से किसका फंड साइज रोज चेंज होते रहेगा, किसका फंड साइज फिक्स रहेगा? करेक्ट, ओपन एंडेड का फ्लेक्सिबल है, रोज चेंज होते रहेगा, रोज कोई आएगा खरीदेगा बेचेगा। क्लोज एंडेड का फिक्स है, जो भी बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है वो सेकेंडरी मार्केट में चल रहा है, प्राइमरी लेवल पे तो फिक्स है बस। सो ये इधर फंड साइज फिक्स है। करेक्ट, समझ रहे हो? गुड, देखो तुम लोग ये आंसर दे रहे हो। अच्छा इन्वेस्टिंग वेज, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो इसमें ओपन एंडेड में कहना है इससे एनी टाइम है, बराबर है, इसको कहते हैं इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आगे देखेंगे। बट क्लोज एंडेड में कहना है इससे वन टाइम लमसम जो आपको डालना है वो डाल दो, तो ये वन टाइम ही डालना पड़ेगा और कुछ लमसम अमाउंट डालना पड़ेगा। ओके, फिर प्राइस
यहाँ पे बेस्ड होता है एनएवी के ऊपर, एवरीडे एनएवी के हिसाब से बेस्ड होता है ओपन एंडेड में, क्लोज एंडेड में मार्केट में आपको देखना पड़ेगा डिमांड सप्लाई क्या चल रहा है, उस हिसाब से प्राइसिंग डिटरमाइन होता है। नैव के आजू बाजू में ही रहेगा, वो भी क्लोज एंडेड को भी नैव तो बताना ही पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो डिमांड सप्लाई पे डबकआउट होता है। एंड लिमिट ओपन एंडेड में कोई लिमिट नहीं है, क्लोज एंडेड में ऑब्वियसली लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स ही आप इशू कर सकते हो। क्या आप लोगों को ये इधर तक सब चीजें समझ में आ गई? अब मैं क्लासिफिकेशन के ऊपर आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा, बट इतना सब लोगों को समझ में आ गया? बोलो बोलो, टेल टेल। अब लास्ट एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एंड वो अपना आज डिस्कशन हुआ था और उसके बेसिस पे आज अपन लोग सम सॉल्व करने वाले हैं, एंड वो डिस्कशन था रिलेटेड टू नैव, एंड दैट इज योर नेट असेट वैल्यू। इसको मैंने आप लोगों को क्या बोला था, इसको मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखवाया था, नेट एसेट वैल्यू को, ये रहा प्राइस और वैल्यू एट विच यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज परचेस्ड और सोल्ड, इज परचेस्ड और सोल्ड, ठीक है। सो प्राइस और वैल्यू ऑफ किसका, एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ऑफ एवरी यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है, विच इज परचेस्ड और सोल्ड। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये नैव एवरीडे चेंज होता है क्या? सैफ मुझे बताना तो जरा, ये नैव एवरीडे चेंज होगा क्या? डज द नैव चेंज एवरीडे? अभी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं जिससे मुझे समझेगा कि तुम्हारे को नैव समझाए कि नहीं। ओके आप लोग, सब लोग ने बोला, आरती यादव ने बोला यस। ओके सो नैव चेंजेस एवरीडे। अच्छा नैव कब पब्लिश करना पड़ता है? नैव चेंजेस एवरीडे, आप लोग ने सब लोग ने बोला यस सर। अच्छा नैव कब पब्लिश करना पड़ता है? नैव क्या एवरीडे नैव पब्लिश करना पड़ता है? यस, कब पब्लिश करना पड़ता है? डे एंड पे, बराबर है। सो डे एंड एवरी डे, किसी ने लिखा है डे स्टार्ट, वो भी चलेगा, वैसा लिखो तो भी चलेगा। बात कान ऐसे लिखो या ऐसे, कल का क्लोजिंग आज का ओपनिंग, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, चलता है। सो डे एंड एवरी डे आपको करना पड़ता है कंपल्सरीली, सेबी कंपल्सरी, सेबी क्या बोलता है, कंपल्सरी कंपल्सरी, ठीक है। ओके ओपन एंडेड में, ओपन एंडेड में ट्रेडिंग क्या क्या प्राइस के ऊपर होता है? ओपन एंडेड, सी मैंने क्या बोला, 95% ओपन एंडेड स्कीम्स है। इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट ओपन एंडेड ही अज्यूम करना है, तो अपन ओपन एंडेड की ज्यादा बात करेंगे। तो ओपन एंडेड किस चीज के ऊपर, ओपन एंडेड किस चीज के ऊपर ट्रेड होता है? सो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड का ट्रेडिंग इज एट नैव वैल्यू, इज एट नैव वैल्यू, बराबर है। अब कोई मुझे दिमाग लगा के बता पाएगा क्या कि नैव का फॉर्मूला क्या बनेगा? दिमाग लगा के, मुझे तुम लोग का लॉजिक्स चाहिए, तो अब लॉजिक्स का अगर मेरे को चाहिए तो यहां पे अपन लोग ने सैफ के लिए कुछ डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो सैफ के लिए अपन लोग ने बोला था मैं 20 लाख रुपया मेरे पास आया, वो उसको मैंने आरआईएल और टीसीएस में इन्वेस्ट किया, 5th जैन को वापस से अपने को रिडीम करना है, तो 5th जैन का जो आरआईएल और टीसीएस का, आरआईएल और टीसीएस का जो भी मेरा मार्केट वैल्यू था उसके हिसाब से मेरा नैव आ गया, नया वाला अभी अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से मैंने मेरा नया वाला नैव निकाल लिया, तो क्या तुम लोग फॉर्मूला कुछ सोच पा रहे हो क्या, क्या बनेगा? एवरीबॉडी टोटल फंड वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वेरी गुड, क्या बात है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ब्रिलियंट कीर्तिमान। गायत्री, वैल्यू ऑफ एयूएम डिवाइड बाय यूनिट्स, ब्रिलियंट। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड, एक्सेलेंट यार, सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे। श्रुति सोरतिया, मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्सेलेंट, एकदम सही बोल रहे हो सब लोग, समझ में आया तुम लोगों को। लास्ट ट्रेडिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, खाली शेयर्स की ऊपर लगी, हो सकता है मैंने गोल्ड में डाला, हो सकता है किसी और में डाला। सो एकदम एकदम एक नंबर तुम लोग सब लोग ने जवाब दिया, एक नंबर तुम लोग सब लोग ने जवाब दिया। तो अगर मैं तुम लोग का ये आंसर लिखता हूं, अगर मैं तुम लोग का ये आंसर लिखता हूं
तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं कि नैव इज इक्वल टू, अगर मैं तुम लोग का ही एग्जाम्पल लिखता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, नैव इज इक्वल टू बेसिकली तुम लोग ने इधर लिखा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तुम लोग ने लिखा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, बराबर है। अब मेरे को बताओ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर मैं सैफ वाला एग्जांपल लू तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो मेरा 20 लाख था जब मैंने इन्वेस्ट किया था, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जब मैंने किया था तो ये तो 20 लाख था, पर मैंने जब नया नैव कैलकुलेट किया तो 21 लाख हो गया, तो वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, खाली वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है या उसको एक बेटर वे में मैं लिख सकता हूं, खाली वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है या उसको एक बेटर वे में मैं लिख सकता हूं। करेक्ट, वेरी गुड आरती, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जिसने भी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा वो गलत नहीं है, बट उसको और बेटर लिख लेते अपन। सो इधर मैं लिख लूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या बोला, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब मैं आपको और एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये जो मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये जो मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर होगा, अरे बोलो बोलो टेल टेल, हाँ या ना, यस। इस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में हो सकता है कि मैं थोड़ा डिबेंचर में भी इन्वेस्ट कर दूं, हाँ कि ना। अब सपोज किसी इन्वेस्टर ने मेरे म्यूचुअल फंड में 20 लाख रुपए डाला और 5 साल तक आया ही नहीं, 5 साल के बाद आया, तो कैन आई से ये जो इक्विटी शेयर मैंने उसका वो टाइम पे खरीदा रहेगा, अब उस इक्विटी शेयर का वैल्यू बहुत बढ़ गया रहेगा, बट कैन आई से वो इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू तो मैं लेने ही वाला हूं यहाँ पे, बट साथ साथ में 5 साल में इस इक्विटी शेयर के ऊपर कुछ डिविडेंड भी तो मिला होगा, वो डिविडेंड पे किसका हक है, वो इन्वेस्टर का ही हक है भाई, सब चीज पे उसी का हक है, वो जो फीस है ना एएमसी एसेट मैनेजमेंट फीस, उसको छोड़ के सारा हक हमारे इन्वेस्टर का ही है जो म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद रहा है। सो इक्विटी शेयर्स का कैन आई से डिविडेंड मिला होगा, 5 साल के बाद आ रहा है, 5 साल में कुछ ना कुछ तो डिविडेंड दिया होगा, सो यहां पे इक्विटी डिविडेंड भी तो ऐड हो जाएगा इस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में, इस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में दया इक्विटी डिविडेंड भी तो ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा डिबेंचर 5 साल बाद वो आया तो हम लोग ने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया था, करेक्ट, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा मेरे को यहां पे भाई, इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, सो यहां पे मुझे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो वो भी तो इसी का हो जाएगा। सो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस अगर आपको कुछ डिविडेंड मिला है प्लस अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला है, बराबर है, प्लस हो सकता है कि कुछ आपका मिसलेनियस और भी कोई इनकम मिल गया हो यार, और भी कोई मिसलेनियस इनकम मिल गया हो वो भी ऐड हो जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस, सो यहां पे वो सब चीज अपनी ऐड हो जाएगी जब मुझे नैव कैलकुलेट करना है, बराबर है। बट ये सब तो आ गया वो इन्वेस्टर के लिए, जिसने इन्वेस्ट किया उसको मिलेगा, बट इसमें से कुछ पैसा अपने को देना भी तो पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कहने से फंड मैनेजर को फीस या कुछ तो अपने को देना पड़ेगा, प्लस इतना सारा फंड मैनेज करूंगा मैं तो कहां पे, घर पे बैठ के करूंगा कि मैं खुद का एक ऑफिस लूंगा, समझ रहे हो। सो वैसे ही वो फंड के कुछ एक्सपेंसेस भी तो होंगे, सो वो कुछ एक्सपेंसेस होंगे ना, उतना मैं माइनस कर दूंगा, उतना मैं माइनस कर दूंगा। सो यहां पे से फॉर एग्जांपल माइनस जो भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, जो भी कुछ लायबिलिटी होगी, वो छोटी मोटी, या आइडियली आइडियली एक बात बताता हूं, सेबी इतना कड़क और स्ट्रिक्ट है, सेबी बोलता है म्यूचुअल फंड कैन नॉट बोरो मनी, कैन नॉट, तुम्हारे पास इन्वेस्टर के पास से जितना पैसा आया है उसको इन्वेस्ट करो, उससे जो रिटर्न आया वो इन्वेस्टर को दे दो, तुम बोरो करके कहीं पे कुछ अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है वैसा तो, बट छोटा मोटा कुछ अगर लायबिलिटी होगा, अक्रूड लायबिलिटी अक्रूड एक्सपेंसेस जो भी है वो सब माइनस करके कहना इससे ये मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगा, समझ रहे हो। सो अगर मुझे यहाँ पे नैव लिखना हो, अगर मुझे यहाँ पे नैव लिखना हो तो तुम लोग ने बहुत अच्छा चीज लिखा है, वो तुम लोग ने लिखा है कि भाई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या मैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बेटर वे में डिफाइन कर लूं, ये जो तुम लोग ने बोला है, ये जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला है,
बराबर है कि ना। इसे इसको मैं थोड़ा और बेटर वे में डिफाइन कर लूं, तो इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड कर लिया कि ना, इसे मेरा मार्केट वैल्यू, जो भी इन्वेस्टमेंट है सबका मार्केट वैल्यू, सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया रिलायंस का, टीसीएस का, सबका, प्लस किसी ने इधर लिखा है बोनस शेयर्स ऑन इक्विटी, कीर्ति अरोरा आ गया तेरे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ गया, समझ गए कीर्ति क्या होगा पता है तेरे को। अब इधर अपन लोग से फॉर एग्जाम्पल अपन लोग ने यहाँ पे रिलायंस का 200 शेयर्स लिया था ना, अब बोनस होके से फॉर एग्जाम्पल 200 का 500 शेयर्स हो गया होगा, तो जब तू 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 5000 करेगी तो वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बोनस वोनस सब इंक्लूडिंग बोनस। तुझे लिखना है कीर्ति तो तू यहाँ पे लिख सकती है इंक्लूडिंग बोनस, ठीक है। दूसरा और क्या क्या अपनी बात हुई, डिविडेंड मिलेगा करेक्ट, सो कैन आई से कुछ डिविडेंड इनकम मिल सकती है, सो प्लस डिविडेंड इनकम, और क्या मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट, वेरी गुड, प्लस इंटरेस्ट इनकम, और कुछ अदर इनकम, मुझे भी नहीं पता है क्या है वो, प्लस अदर इनकम या और कुछ रिसीवेबल्स हुआ तो। ये सारा का सारा पैसा किसका है, म्यूचुअल फंड कंपनी का है, तुम्हारे भाई का नहीं है, समझे क्या। बट ये तो मेरा टोटल आ गया इनकमिंग एसेट, बट इसमें कुछ मेरा लायबिलिटी भी तो होगा, सो वो मेरे को लेस करना पड़ेगा, सो प्रोबेबली लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कुछ होगा मेरा अगर तो, अरे कोई अक्रूड एक्सपेंसेस होगा तो, वो सब चीज मेरे को यहाँ पे माइनस कर देने का, वो सब चीज मेरे को यहाँ पे माइनस कर देने का, ठीक है। कोई भी अदर अदर पेबल्स या और कुछ भी हुआ तो वो सब मैं माइनस कर दूंगा, ये सब को मिला के। किसी ने लिखा है, एक सौम्या श्रीवास्तव ने लिखा है कैपिटल गेन, ले वो भी लिख ले तू भाई, ले भाई सौम्या कैपिटल गेन भी लिख ले, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे अपन, टेंशन मत लो, जो जो पैसा कमा रहे ना म्यूचुअल फंड सब मेरे पास ही आना चाहिए, है ना। ये सब आ गया, इसमें से लेस कर दिया, तो मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं तो उसको अपन लोग नेट एसेट बोलते हैं। भाई बचपन में अमालगमेशन मर्जर करके चैप्टर किया होगा ना अकाउंट्स में, अकाउंट्स में किया होगा ना, तो क्या बोलते हैं उसको दया, एसेट माइनस लायबिलिटी को क्या बोलते हैं अपन अकाउंट्स में, अकाउंट्स के लैंग्वेज में नेट एसेट बोलते हैं, समझ रहे हो। यहां से उसका नाम गिरा कि भाई ये मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये हुआ मेरा नेट एसेट, बिकॉज इसको अपन लोग मार्केट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, इसको नाम दिया नेट एसेट वैल्यू, जिसको अपन प्यार से कहते हैं नैव। अब ये टोटल नैव हुआ, अपनी बात हुई थी पर यूनिट की निकालने की, अपनी बात हुई थी भाई, अपनी बात हुई थी, सब चीज मैंने लिखा हुआ है ऑफ एवरी यूनिट, तो आपने बोला भाई ठीक है टोटल नैव आ गया, टोटल नैव में से ये क्या हुआ, ये जो आया मेरा वो टोटल नैव आया, ये जो आया मेरा वो क्या आया, टोटल नैव आया। इस टोटल नैव को जब मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, मेरे म्यूचुअल फंड में जितने भी यूनिट्स है उसके साथ, सो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, क्योंकि भाई आजकल पता है ना कि ओपन एंडेड फंड है, तो कुछ आज ही हम लोग के सेल भी हुए होंगे, परचेज भी हुएंगे, तो भाई जितना भी यूनिट आउटस्टैंडिंग है वो, सो टोटल नेट एसेट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, ये मिला के बन जाएगा मेरा, ये मिला के बन जाएगा नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, ए समझिए डू। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये लॉजिकली अपन लोग ने निकाला है, क्या कहीं पे भी अपन लोग ने फॉर्मूला का यूज किया, क्या फॉर्मूला अपन लोग ने डिराइव किया लॉजिक्स यूज कर करके। अगर सपोज अपन भी ये वो हीरो का नाम क्या था, अपन भी अगर आज की तारीख में वेन कैटविच होते तो फॉर्मूला तो ये ऐसे ही डिवाइड डिराइव करते जैसे अपन लोग ने किया है, परफेक्ट समझी गुड़ी। अभी बड़ी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड यहां पे अपन वर्ड यूज करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स,
और ये मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में भाई साहब डिविडेंड भी आ गया, भाई साहब इंटरेस्ट भी आ गया, मेरा है वो। इनफैक्ट कई बार हिडन एडजस्टमेंट होगा, वो आपको दे देगा बॉन्ड्स, 10% बॉन्ड्स, 10% फिक्स डिपॉजिट। तो आपको पता है कि भाई फिक्स डिपॉजिट रखा है तो उसका जो वैल्यू है वो तो वही रहेगा, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, डिविडेंड तो मिलेगा ना शेयर्स के ऊपर, वो सब लेना है। ए आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझे? सो अगेन आई एम टेलिंग यू, देखो कोई भी फॉर्मूला ऊपर से नहीं गिरता है, प्रैक्टिकली करते करते डिराइव होता है, वही अपन करने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूलाज अपन वही करने वाले हैं, करते करते, बात करते करते, डिस्कशन करते करते, एग्जाम्पल को कनेक्ट करते करते डिराइव करेंगे, ताकि याद नहीं रखना है। मुझे पता है, मुझे पता है अब कि हाँ भाई मैंने वो सैफ के एग्जाम्पल में मैंने ये लिया था, फिर मार्केट वैल्यू चेंज हुआ तो वो लिया, फिर बाद में सर के साथ डिस्कशन कर रहे तो हमको लगा अरे इक्विटी शेयर्स है उस पर डिविडेंड भी तो सर मेरा हक है, बराबर कि नहीं? तुम लोग नहीं बोला ना, तुम लोग नहीं बोला भाई अपन एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। सर मेरा इक्विटी डिविडेंड दो, सर मेरे डिबेंचर का इंटरेस्ट दो, सर और कुछ इनकम रहेगा वो भी मेरा, सब भाई तेरा ही है ले ले, बट उसमें से जो मेरा फंड एक्सपेंसिस है, लायबिलिटी है, वो मेरा माइनस करके बाकी सब तेरा हुआ, बाकी सब तेरा हुआ। बट बिकॉज बोला था पर यूनिट का फाइंड करो, क्योंकि इन्वेस्टर कितना यूनिट बेचेगा पता नहीं है, तो एक यूनिट का कितना है उसको बोलना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, वर्ड देख रहे हो आउटस्टैंडिंग, क्यों आउटस्टैंडिंग? क्योंकि भाई कुछ परचेज सेल कुछ ना कुछ बीच बीच में हुआ रहेगा पूरे दिन में, जितना एंड ऑफ द डे में आउटस्टैंडिंग बचा है उसे डिवाइड कर लो, नैव पर यूनिट आ जाएगा डे एंड पे। अगले दिन जो भी आपके पास से खरीदने या बेचने आए, ये नैव के हिसाब से उसके साथ ट्रांजेक्शन कर दो। धन्यवाद। समझ में आया? बोलो बोलो यार, टेल टेल यार, कैफा हुआ? समझ में आया एवरीबॉडी? फर्स्ट फॉर्मूला अपना SFM का डिराइव करके कैफा लग रहा है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब डेफिनेटली ये सब चीजें अपन लोग लिखेंगे, डेफिनेटली ये सब चीजें अपन लोग लिखेंगे। चलो अब इसके पहले का ये सब जो भी था वो तो मैंने तुम लोग को ज्ञान दिया है, सो ये नहीं लिखोगे चलेगा, ये सब तुम लोग के पास है, बट मेरे हिसाब से यहां से लिखना चालू करो। और बाकी तुम लोग के पास ये वाला तो नोट्स है ही, ऑथर्ड बुक वाला नोट्स तो है ही, टेंशन ही नहीं है तुम लोगों को किसी चीज का, सब ये लिखोगे तुम लोग, ये लिखोगे, ये लिखोगे। मेरे हिसाब से एक काम करोगे क्या, नैव का लिख लो एक, पहले क्या करो पहले ये म्यूचुअल फंड का लिख लो और फिर नैव का लिख लो, और बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना लिखने में। मेरी इच्छा है कि मैं एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स में ज्यादा टाइम डालू, सम सॉल्विंग में ज्यादा टाइम डालू, थियोरी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम डालू, तुम्हारे लिखने की वजह से मेरा टाइम वेस्ट ना हो, वो अनप्रोडक्टिव टाइम है। लिखना जरूरी है और लिखेंगे, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, बट भावनाओं को समझ रहे हो ना तुम लोग, और ये तो वैसे भी शेयर होने ही वाला है तुम्हारे साथ। चल लिख लो, इतना लिख लो, कंफर्म करो, फिर आगे का लिख लो, फिर कंफर्म करो, फिर करते हैं अपन स्टार्ट। अच्छा एवरीडे ये लेक्चर, से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मॉर्निंग 7 to 10 AM का लाइव लेक्चर चल रहा है, एवरी डे 1 o'clock तक ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। सो सोनाली एवरी डे 1 o'clock, तुम लोग वो शेयर्ड PDF से लिखो तो वेल एंड गुड, बट क्या होता है ना, आर्टिकल क्लर्क हो तुम लोग, तुम्हारा दूसरा नाम है काम चोर, समझ रहे हो ना? गुड, सब जान, मैं सब जानता हूं तुम्हारे को, रग रग से वाकिफ हो तुम्हारी। चलो ठीक है, तुम पब्लिक बोल रहा है कि भाई लिख लेगा, देखते हैं। और सुनो ना, क्लास में एटलीस्ट ट्राई करना कि तुम लोग एटलीस्ट दो तीन तीन चार चार कलर का पेन लेकर आओ, अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला अलग पेन से लिखेंगे अपन, कॉन्सेप्ट अलग पेन से लिखेंगे, सम्स अलग पेन से लिखेंगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, सिस्टमेटिकली ढंग का काम करो, आगे लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा।
कुछ आर्टिकल्स काम भी करते हैं। अच्छा, चलो फटाफट लिखो यार, सम्स करने अपने को फिर इसके बाद। हाँ भाई, डन भाई। चलो, एज यूजुअल एज आई सेड कि वो ये आप लोग के पास रहेगा। प्लीज नोट्स अच्छा बनाना, मजा आना चाहिए आप लोगों को जब रिवाइज कर रहे हो। थोड़ा एफर्ट लगेगा,
एफर्ट के बिना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि मार्क्स अच्छा मिलेगा, लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, नहीं होगा, नहीं होगा। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो अब इस नोट पे फाइनली थोड़ा अपने पास जो भी नॉलेज आया है उस बेसिस पे अपन लोग क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे अपने को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नैव कैलकुलेट करने के लिए एक कंपनी ने बुलाया है। आइए 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 आइए। देखो ना, अभी ये देखो, अभी व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स और ये सब क्या है मैं करवाऊंगा, बट अभी मुझे एक एक्साइटमेंट है कि यार अपन लोग ने इतना थियरी किया है तो एक दो सम तो करके जाते हैं कि नहीं आज, है ना। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन। एवरीबॉडी, आपके स्क्रीन पर जहां पे लिखा है बेसिक कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट वैल्यू, तो क्या अपन लोग कैलकुलेट कर पाएंगे? लेट्स हैव अ लुक। द फॉलोइंग पोर्टफोलियो डिटेल्स ऑफ अ फंड आर अवेलेबल। प्लीज क्वेश्चन नंबर वन पे आ जाओ सब लोग। हाँ, स्टॉक ए 2 लाख शेयर्स, 35 का प्राइस चल रहा है, बी का, सी का, डी का। द फर्म हैज अक्रूड मैनेजमेंट फीस विद पोर्टफोलियो मैनेजर टोटलिंग 30,000। देर आर 40 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। वॉट इज द नैव ऑफ द फंड? इफ द फंड इज सोल्ड विदाउट अ लोड, वॉट इज द सेल प्राइस? वो सेकेंड पार्ट को इग्नोर करो, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। सो वॉट इज नैव ऑफ द फंड? क्या आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे? अब एग्जाम में कैसे इसको प्रेजेंट करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, सीधी सी बात है, फर्स्ट क्वेश्चन है तो सिंपल ही रखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सोल्यूशन पे आते हैं, अपने को कैलकुलेट क्या करना है? अपने को कैलकुलेट करना है नैव। एंड लेट मी टेल यू, नैव कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट को उसका फॉर्मूला दिखा दो। सो नैव इज इक्वल टू, नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू, क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे नैव इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट फॉर्म ऐसे तो चलता है, बट अभी ये अपना फर्स्ट आंसर है तो शॉर्ट फॉर्म्स ना लिखे तो बेटर है। प्लस और क्या क्या, कैन आई से डिविडेंड? चलो, डिविडेंड के साथ साथ और क्या क्या, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ कैन आई से और कुछ मिसलेनियस या अक्रूड इनकम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट और कुछ अक्रूड या मिसलेनियस इनकम भी हो सकता है। सो अक्रूड और मिसलेनियस इनकम लिख लिया, या इधर लिख लो रिसीवेबल्स, ये सब इसको इधर लिख लेने का, बट इसमें मेरे को माइनस करना पड़ेगा क्या? सो इट विल बी अक्रूड एक्सपेंसेस, जैसे कि इस केस में है माय पोर्टफोलियो फीस, और क्या क्या, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एनी अदर पेबल्स, ये सब माइनस करने के बाद जो आता है उसको कहेंगे अपन लोग नैव। इसको अपन जब डिवाइड करेंगे किसके साथ, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जब डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा मेरे को नेट एसेट वैल्यू। तो चलो आओ फटाफट कैलकुलेशंस देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपने को क्या करना है, मार्केट वैल्यू दिखाना है, किसका, शेयर्स का। सो वी विल शो द मार्केट वैल्यू, टेल मी व्हाट इज द मार्केट वैल्यू। सो यहां पे मेरे पास क्या क्या है, स्टॉक ए बी सी डी। सो यहां पे अपन लोग लिख लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, बोलो कितना है, ए है, बी है, सी है, डी है, 2 लाख, 2 लाख का शेयर्स है, तो इधर लिख लेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, सेलिंग प्राइस या जिसको बोल सकते हो आप मार्केट प्राइस, और इसका इधर लिख लेंगे मतलब होता है मार्केट वैल्यू, ठीक है। सो 2 लाख शेयर्स। अच्छा, अभी किसी ने अप्रोक्स लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, कैसे प्रेजेंट करना है सब बताऊंगा, कितना डेसिमल लेना है नहीं लेना है सबको अपन अभी स्टैंडर्डाइज कर देंगे, है ना। सो 2 लाख शेयर्स है और मार्केट वैल्यू है 35। सो 2 लाख शेयर्स इंटू 35 होता है रुपीज 70 लाख,
ओके, उसके बाद 3 लाख इंटू 40, सो 3 लाख 40 ये कितना हो जाता है, मेरा कैलसी किधर चले गया, हाँ ये वैसे इसके लिए जरूरत नहीं है नो, सो 3 लाख इंटू 40 होता है 1 करोड़ 20 लाख, चलो लिख लिया। उसके बाद 4 लाख इंटू 20, सो 4 लाख शेयर्स, 20 का रुपीज, 80 लाख, एंड लास्ट इज 6 लाख इंटू 25। बोलो 6 लाख इंटू 25 होता है 1 करोड़ 50 लाख आई गेस, यस, 100 रुपीज, 1 करोड़ 50 लाख, राइट। अच्छा टोटल कितना हो रहा है अभी सी, आइडियली एम प्लस करते करते आ जाता था, कैलकुलेटर ट्रिक्स भी अपन सीखते जाएंगे, बट यहाँ पे तो अपन डायरेक्टली सब नंबर्स इजीली कैलकुलेबल थे तो प्रॉब्लम नहीं था। तो 70 लाख प्लस 1 करोड़ 20 लाख प्लस 80 लाख प्लस 1 करोड़ 50 लाख टोटल आता है 4 करोड़ 20 लाख। अमाउंट पूरे में ही लिखना बेटर रहेगा। अच्छा क्या कुछ भी इसमें डिविडेंड इनकम है, नहीं। क्या कुछ भी इंटरेस्ट इनकम है, नहीं। क्या कोई अदर इनकम है, नहीं। सो कहना इसे यही हो जाता है मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बराबर है। इसको डिवाइड करना है अपने को नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, सो नैव इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 4 करोड़ 20 लाख। वापस से लिखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अपन लोग ने फॉर्मूला ऑलरेडी आगे लिख लिया है, फॉर्मूला अपन लोग ने ऑलरेडी आगे लिख लिया है। सो ये मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कहना इसे क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है देर आर 40 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, शेयर्स नहीं यूनिट्स, सो इधर अपन लोग लिख लेंगे 40 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, टोटल में लिखो क्योंकि 1 करोड़ में है दूसरा लैक्स में है तो मिस्टेक ना हो जाए इसके लिए। तो 4 करोड़ 20 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इज इक्वल टू, अच्छा मैनेजमेंट फीस माइनस करना भूल गया मैं, कोई बात नहीं माइनस कर दिया, माइनस 30,000। सो इधर ऊपर लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, अक्रूड मैनेजमेंट फीस, तो अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस 30,000 डिवाइड बाय 40 लाख यूनिट्स, ये रुपीस का है, ये रुपीस का है, डन। सो 4 करोड़ 20 लाख माइनस 30,000 डिवाइड बाय 40 लाख यूनिट्स एंड ये आता है रुपीज 10.4925 पर यूनिट। तो 4 डेसिमल में मैंने किया है ये, कितना 4 डेसिमल में, समझ रहे हो तुम लोग। आईसीएआई के मैंने बहुत सारे सजेस्टेड देखे हैं, कभी कभी उसने 2 डेसिमल लिया है, कभी कभी उसने 3 लिया है, कभी कभी उसने 4 लिया है, तो अपने को तो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा, उसका भरोसा नहीं है, कभी 2 ले लेगा, कभी 3 ले लेगा, कभी 4 ले लेगा, बराबर है। तो मैक्सिमम उसने 4 तक लिया है तो अपने को स्टैंडर्डाइज 4 लेने का, अगर उसके सजेस्टेड में 2 होगा तो वो यहाँ पे 2 भी देख पाएगा, उसके सजेस्टमेंट में 3 होगा तो वो यहाँ पे 3 भी देख पाया, ज्यादा से ज्यादा 4 होगा तो 4 भी देख पाया, तो मैं तो सेफ हूं, सेफ हूं मैं। तो नैब के लिए क्या बोला है भाई, 4 डेसिमल प्लेसेस, दोबारा मत पूछना, मैं नहीं आईसीएआई बोल रहा है, आईसीएआई बोल रहा है। सो इधर करण चौहान ने लिखा है 10.49, मैं पेपर चेकर हूं, मैं मार्क्स नहीं दूंगा। पिंतुल राजुल राजू भाई पटेल ने लिखा है 10.5, सॉरी पिंतुल, आई विल नॉट गिव यू मार्क्स। सौम्या श्रीवास्तव को फुल मार्क्स मिलेगा। गायत्री ने लिखा है 10.5 अप्रोक्स, सॉरी मैम नो मार्क्स, बट सर अभी आपने बोला है ना, ठीक है चल नो प्रॉब्लम, समझी, गुड एवरीबॉडी। सो नैव ऑलवेज 4 डेसिमल प्लेसेस। और एक बात बताऊं, इसी में कभी कभी नंबर ऑफ यूनिट्स भी डेसिमल में आता है, कभी कभी नंबर ऑफ यूनिट्स भी, ये क्वेश्चन हो गया भाई, देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुना, कभी कभी यूनिट्स भी डेसिमल में आता है तो क्या करने का, तो इधर देखो, इधर देखो। सो समझो आप लोग ने 1 लाख रुपया आपके पास है,
ठीक है, और आपका नैव है 10.4925। आप चाहते हो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो 1 लाख डिवाइड बाय आप क्या करोगे, 1 लाख डिवाइड बाय रुपीज 10.4925 पर यूनिट। अच्छा मुझे बताओ, आपको 1 लाख रुपए में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना यूनिट्स मिलेगा? मैं आपको चलो पूछ रहा हूं, हटा देता हूं ये भी, मैं आपको पूछ रहा हूं, 1 लाख रुपए है आपके पास, आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप लोगों को ये कंपनी कितना यूनिट्स इशू करेगी? सोच समझ के बोलो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। कोई बोल रहा है 9530.6171, वाह पल्लवी, 4 डेसिमल। गायत्री बोल रही है सर राउंड ऑफ यूनिट्स कैसे वो ये रहेगा? गायत्री एम इज सेइंग होल नंबर्स ओनली, नो डेसिमल विल बी इंक्लूडेड। गायत्री लेट मी टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एज पर द रूल्स यू कैन गेट यूनिट्स इवन इन डेसिमल्स। इक्विटी शेयर होता है ना, वो कभी डेसिमल में नहीं मिलता है, आपको 1 इक्विटी शेयर, 10 इक्विटी शेयर, 100 इक्विटी शेयर मिलेगा, बट नैव के बेसिस पे यूनिट्स आपको डेसिमल में भी मिल सकता है, आप डेसिमल में भी सेल कर सकते हो, समझ रहे हो? सो 1 लाख डिवाइडेड बाय रुपीज 10.4925 पर यूनिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। तो कैसे, तो ये आपका आ जाता है 9530.95306171 यूनिट्स। आईसीएआई का सजेस्टेड जितना भी मैंने देखा है यूनिट्स, वो लोग 2 डेसिमल तक लेते हैं। अपने को अगर कोई रिस्क लेना ही नहीं है तो आप 4 डेसिमल ले लो, बट आईसीएआई का मैंने सारा सजेस्टेड देखा है तो फिर वो लोग बोलता है कि चल भाई तुम 2 डेसिमल तक ले सकते हो। इसको आप कर लोगे, इसको आप ये वाला भी लिखो चलेगा, आपको चाहिए तो आप 9530.62 यूनिट्स लिखोगे तो भी चलेगा, राइट? करेक्ट करेक्ट। धनंजय बोल रहे हैं सर पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई हो रहा है, उसने भी अब किया हुआ यूनिट्स में एंड यूनिट्स उसको डेसिमल में मिला है। यस यू आर राइट, समझे? सो यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होता है, यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होता है, अगर समझो कभी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना हुआ तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? करेक्ट, सबसे पहले कितना अमाउंट आपके पास आया है डिवाइड बाय नैव पर यूनिट। सो नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होते है? करते हो आप, सो अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नैव एज ऑन डेट, नैव पर यूनिट, नैव पर यूनिट एज ऑन डेट, इससे नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट होगा। इसको आप 2, 3, 4 डेसिमल जो ठीक लगे वो चलेगा। आईसीएआई 2 डेसिमल्स लेती है, ठीक है बच्चा? गॉट इट एवरीबॉडी? चलो क्लियर हो गया सब लोग को इतना? कोई डाउट, कोई शक? चलो ठीक है, चलो सो वी विल, यस वी विल रैप इट अप हियर, कोई टेंशन नहीं है। एंड आई थिंक एक सजेशन किसी का अच्छा लगा मुझे, कल से 6:30 को चालू करते हैं अपन यार, ज्यादा टाइम मिलेगा, बेटर रहेगा अपने लिए। चलो अच्छा मुझे बताओ, आज का सेशन अपन लोग ने फाइनली चैप्टर स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट सेशन आप लोग ने ऑसम वाला फीडबैक दिया, चलो डन, वो जनरल सेशन था, अब अपन लोग ने चैप्टर चालू कर दिया है, लॉजिक समझे,
फॉर्मूला समझे, स्पीड वाइज आर वी ऑल ऑन द सेम लाइन, सेकेंड एक्सप्लेनेशन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, एग्जाम्पल वाइज, सब कुछ सब लोग को समझ रहा है, ऑल क्लियर है, वो एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, फ्लो भी सेट है, ऑसम। कल मिलते हैं 6:30 बजे। टुमारो लेक्चर मॉर्निंग 6:30 AM। अच्छा प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है, सीए संकल्प एससीएमपी एसएफएम बैच करके एक है टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे सब आपको पीडीएफ रिविजन सेशंस मेरे वहां पे ही शेयर होंगे, आई एम श्योर आप लोग हो ही, बट स्टिल चलो आज के लिए यस, टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, 6:30 विंटर मॉर्निंग्स विद क्लास, मजा आएगा, यस यू आर राइट, राइट फरीन। अच्छा बाकी कोई डाउट हो तो, फिलहाल तो ग्रुप में मैं सिंगल में ही रिप्लाई कर पा रहा हूं तो तब लोग नहीं आ पाओगे, तो फॉर नाउ तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई होप यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, फिर बाद में देखते हैं अपन इसको क्या करना है। मजा आ गया आज क्लास में, वेरी नाइस, नाइस टू नो एवरीबॉडी दैट वी आर सेट। सो अब बोलते ना, फर्स्ट दो सेशंस एकदम इंपॉर्टेंट होता है दोनों के लिए, मेरे के लिए भी कि मुझे कैसे स्टूडेंट मिले वो जानने के लिए, एंड आई कैन गारंटी कि तुम लोग बहुत टच ब्लैक, मजाक नहीं कर रहा हूं, चढ़ा नहीं रहा हूं, बट तुम लोग बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, अगर सिस्टमैटिकली ऐसे ही चलोगे ना गारंटीड 80+ है, बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है फॉर श्योर, बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट और जिस हिसाब से अपना डिस्कशन हो रहा है ना वो एक वाइब आ जाता है, राइट तो ग्रेट, यस माय क्लासेस विद अ कप ऑफ टी, कल मॉर्निंग में मिलते हैं, डन। चलो ये आप लोग प्लीज लिख लेना, सोल्यूशन है तुम लोग के पास तो टेंशन नहीं है, बट जो बुक का काम है वो बुक का ही काम है, ठीक है। हाँ ये सब मैं पीडीएफ पीडीएफ सब अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। चलो सोल्यूशन मैं शेयर कर रहा हूं, लिखना है उसको लिख लेना, जिसका हो गया है आप जा सकते हैं, नमस्ते अस्ता ला विस्ता, थैंक यू, कल मिलते हैं 6:30 बजे। पीडीएफ कहाँ आएगा, टेलीग्राम चैनल पे प्लस तुम्हारे गूगल ड्राइव के लिंक पे, ओके प्रांजुल, और कुछ नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप कर देना भाई, मैं भेज दूंगा पर्सनली। यस कम्युनिटी पे भी शेयर हो गया है, ओ आई विल डू, डन। बाय बाय।